आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू नहीं लगता, आज कांवड़ यात्रा निकलती है। कांवड़ यात्रा याद है ना, आज कर्फ्यू नहीं, आज दंगा नहीं, आज गुंडा टैक्स नहीं। गुंडा टैक्स वसूली करने वालों की सबकी गर्मी शांत हो गई ना। मैंने कहा था ना विधानसभा चुनाव में, मैंने कहा था देखो निश्चिंत होकर के काम करिए। और मैं तो आभारी हूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की माताओं और बहनों का, जिनका सर्वाधिक आशीर्वाद मिला था। उन्होंने कहा ना जाति न मत न मजहब, केवल और केवल कमल का फूल देख करके हम लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट देंगे, क्योंकि माता बहनों को हर एक को अपनी बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और सुरक्षा की गारंटी चाहिए। ये डबल इंजन की सरकार ने दिया था और तब भी मैंने कहा था माता और बहनों का आशीर्वाद है तो कमल चुनाव चिन्ह को और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता है। और उसी ताकत का एहसास कराते हुए मैंने कहा था तब कि जो लोग गर्मी दिखा रहे हैं ना, 10 मार्च आने दीजिए, 10 मार्च 2022। मैंने कहा 10 मार्च को जब बैलेट ईवीएम खोलेंगे ना तो उसमें केवल कमल ही कमल नजर आएगा। और भाइयों बहनों, फिर से प्रदेश के अंदर आपके आशीर्वाद से सरकार बनी। जो गर्मी दिखा रहे थे उस समय, गर्मी सबकी शांत हो गई होगी, वैसे भी मौसम बहुत सुहावना हो गया, कल तक बहुत गर्मी थी। गुंडा टैक्स वसूली करने वाले कहां चले गए कोई पता ही नहीं, कोई उनके लिए दो बूंद आंसू बहाने